मेरा जो अगला फंक्शन है कोसाइन एक्स, कोसाइन फंक्शन। तो कोसाइन फंक्शन हमारा कैसे होता है? कोसाइन फंक्शन हमारा होता है एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये मेरा कोसाइन फंक्शन है, ठीक है। इसका ओरिजिनली डोमेन और रेंज क्या होता है? इसका ओरिजिनली जो डोमेन और रेंज होता है वो होता है इसका डोमेन तो हमारा ऑल रियल नंबर्स, और हमारा जो रेंज होता है वो होता है सेम जो हमारा साइन के केस में होता है -1 से 1, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, थोड़ा ग्राफ को लेके मुझे प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरा थोड़ा ग्राफ क्लियर नहीं बन रहा है। सो मैं अगर कॉस एक्स का देखूं तो ये पाई बाय 2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये 2π हो गया, ठीक है। नेगेटिव एक्सिस में ये -π/2 हो गया, ये -π हो गया, जो -3π/2 हो गया, और ये -2π हो गया। रेंज इसकी होती है 1 से -1। तो कॉस एक्स का कैसे होता है? 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, फिर π/2 पे वैल्यू 0 होती है, फिर -1 जाती है। तो मुझे उसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके बनता है, हमारा कॉस एक्स का कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। 0 पे आता है, फिर -1 पे जाता है, फिर 3/2 पे जाता है 0, फिर 2π पे फिर 1 हो जाता है। और इधर से मैं देखूं अगर, तो इधर से भी सेम ऐसे होता है नेगेटिव साइड में, यहाँ तो ये 0 पे जाता है, इधर से ये -1 पे जाता है, फिर यहाँ से ये 0 पे जाता है, फिर यहाँ से ये 1 पे जाता है, ठीक है। तो मोटा ग्राफ ऐसे बनता है हमारा, थोड़ा स्मूथ नहीं बनाया तो प्लीज आप वो एडजस्ट कर लेना। मेन हमारा मकसद है यहाँ पे कंसेप्ट समझना, और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ग्राफ क्लियर हो या ना हो, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, ये हमारा कोसाइन फंक्शन है, ये भी थोड़ा सा तो पूरा वैसे साइन एक्स जैसे फंक्शन है, तो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। साइन एक्स की वैल्यू 0 पे 0 आती थी, पाई बाय 2 पे 1 आती थी, पर इसमें 0 इसकी वैल्यू 0 से 0 पे 1 आ रही है, पाई बाय 2 पे 0 आ रही है, तो उसका फर्क पड़ा। मतलब कंसेप्चुअली इसमें भी हम देखेंगे कि इसका मैं डोमेन देखूं आर, पूरे डोमेन पे तो भाई ये फंक्शन जो है मेरा इनवर्टिबल है नहीं, क्योंकि पूरे डोमेन पे देखूंगा तो वही इसमें मल्टीपल पीएम है इसकी, या मल्टी एक्स की मल्टीपल वैल्यूज पे साइन कॉस एक्स की सेम वैल्यू आ रही है, यानी कि सेम इमेज आ रही है, तो पूरे डोमेन में तो ये है। बट अगर मैं इसका रिस्ट्रिक्ट कर दूं इसका डोमेन, तो इस केस में मैं रिस्ट्रिक्शन क्या करूंगा, इस केस में जो मैं रिस्ट्रिक्शन होगा, मैंने साइन एक्स में क्या किया था, -π/2 से π/2 किया था, राइट। इस केस में जो मेरा रिस्ट्रिक्शन होगा वो मेरा रिस्ट्रिक्शन होगा 0 से लेकर π तक, इतना ग्राफ जो मेरा आप देख रहे हैं, इतना ग्राफ ये बॉक्स के जितना वो दिख रहा है, इतना पार्ट मैं लूंगा अगर, तो इस पार्ट पे जो मेरा फंक्शन है इनवर्टिबल हो जाएगा, तो इस पार्ट पे मेरा फंक्शन 1 1 हो गया और ऑन क्यूब भी हो गया, तो ये बाइजेक्टिव हो गया, इसलिए मेरा ये फंक्शन है कोसाइन फंक्शन इनवर्टिबल हो गया, ठीक है। तो मैंने इसको जो रिस्ट्रिक्शन के बाद जो मेरा मेरे पास जो इसका डोमेन और रेंज आ गया वो क्या आ गया, मेरे पास डोमेन आ गया 0 से π और रेंज आ गई -1 से 1, ठीक है। तो ये मेरा हो गया रिस्ट्रिक्शन के बाद जो मेरा जिस पार्ट का मैं इन्वर्स करूंगा इसका, वो पार्ट क्या हो गया मेरा 0 to π और -1 to 1, तो यानी कि cos x का डोमेन क्या है फॉर इन्वर्स, जिस पर इन्वर्स हो सकते हैं वो है 0 to π, और उसका वो क्या है रेंज क्या है जिस पर हम इसको इन्वर्स कर सकते हैं -1 to 1। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं उसका इन्वर्स निकालूंगा, तो जब मैं इसका इन्वर्स निकालूंगा तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा एफ इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स एक्स। इसका डोमेन रेंज क्या होगा, इसका जो डोमेन रेंज होगा, इसका अब डोमेन रेंज होगा वही जो हमने पहले पढ़ा, उल्टा हो जाएगा, जो हमारा cos x का डोमेन था, cos x का इसमें डोमेन क्या होगा, जो cos x का रेंज था, तो cos x का रेंज क्या था -1 से 1, तो cos inverse x का डोमेन क्या हो जाएगा -1 से 1,
और cos x का रेंज क्या, डोमेन क्या था, 0 से 1, तो cos इनवर्स x का रेंज क्या हो जाएगा, 0 से पाई, ठीक है, वही सेम कंसेप्ट उल्टा कर देते हैं, ऐसे आएगा, जो cos x का डोमेन था वो cos इनवर्स x का रेंज बन गया, और जो cos x का रेंज था वो cos इनवर्स x का डोमेन बन गया, जस्ट अपोजिट कर दिया। फिर हमने वही सेम चीज करी, वही सेम कंसेप्ट की जो पहले पढ़ा था, मैंने फंक्शन लिया पूरा, उसके डोमेन को हमने काट के छोटा किया, जिसके बाद पे वो हमारा फंक्शन वन वन हो जाए मैनी वन से, फिर हमने देखा कि हाँ भी यहाँ पे फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है, तो अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने पहले उसको इन्वर्टिबल बनाया डोमेन काट के, फिर हमने जब डोमेन और रेंज डिफाइन कर लिया उस फंक्शन का, फिर हमने उसका इन्वर्स कर दिया, इन्वर्स किया हमने तो जो उसका डोमेन था वो इनवर्स फंक्शन का रेंज बन गया, जिसका रेंज था वो इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन गया, हमारा फंक्शन इनवर्स फंक्शन भी डिफाइन हो गया cos इनवर्स x। अब हम वैसा ग्राफ भी देख लेते हैं, ग्राफ का कंसेप्ट फिर से वही है कि एक्चुअली में ग्राफ क्या होगा, ग्राफ जो इसका होगा y इक्वल टू x एक्सिस, जैसे ये अगर ये लाइन जो है डॉटेड लाइन y इक्वल टू x एक्सिस होता है बेसिकली, तो इसके इसके अक्रॉस मिरर इमेज होती है, ये जो मेरा फंक्शन आ रहा है cos x जो बड़ा बहुत ही गंदा सा बना है, सुंदर सा बना नहीं है, बट समझने से मुझे ये जो फंक्शन आ रहा है ये यहाँ से यहाँ तक ये cos x का, इसका इसका हम इस पे मिरर इमेज ले लेंगे y इक्वल टू x पे, तो वो cos इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा, वो हम देख लेते हैं क्या होता है। ग्राफ्स आपको आपके बुक्स में भी मिल जाएंगे रेफरेंस के लिए, और बहुत क्लियर अगर इनका पिक्चर देखना है तो आप बुक्स में देख सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे माइट भी आपको मेरे ग्राफ से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, बट हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट क्लियर होगा तो ग्राफ तो आप खुद भी बना लेंगे, उसके लिए आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मेन क्वेश्चन है कंसेप्ट क्लियर होना। जब हमें अब ग्राफ किसका बनाना है, ये ग्राफ हमारा था एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स का, अब हमें किसका ग्राफ बनाना है, हमें बनाना है एफ इनवर्स एक्स का, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स इसका ग्राफ बनाना है, तो इसके ग्राफ में कैसे होगा, वही सेम cos इनवर्स x में हम देखेंगे डोमेन क्या था, डोमेन क्या था माइनस वन से वन, तो माइनस वन से वन डोमेन था, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले तो भाई डोमेन की वैल्यूज माइनस वन से वन हो गई जी, ठीक है, फिर मैं देखूंगा इसका रेंज क्या था, रेंज था इसका जीरो से पाई, तो भाई मैं रेंज भी डिफाइन कर लूंगा, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया पाई, ठीक है, तो ये जो मेरा ग्राफ बनेगा y इक्वल टू cos x का ये कुछ इस तरह बन जाएगा, तो मैं पाई बाई टू ले लेता हूँ और इससे मिलता हूँ पाई, यानी कि इस पाई से जीरो की जगह ग्राफ बनेगा, पाई पे मेरे इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस वन, ठीक है, और इस पे जीरो पे मेरी वैल्यू होगी जीरो, जीरो पे वैल्यू होगी वन, ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ ऐसे बनेगा कुछ इस तरीके, यहाँ से यू आएगा फिर ये इस पे जाएगा और फिर ये ऐसे जाएगा, ठीक है, यानी कि जब मेरी माइनस वन पे ग्राफ की वैल्यू होगी पाई, जीरो पे ग्राफ की वैल्यू होगी पाई बाई टू और वन पे ग्राफ की वैल्यू होगी जीरो, तो ये जो मेरा ग्राफ है ये ग्राफ है y इक्वल टू cos इनवर्स x का, ठीक है, हमने देख लिया इनवर्स साइन इनवर्स से ग्राफ देख लिया कोसाइन का ग्राफ देख लिया, अब हम चलते हैं अपने अगले फंक्शन पे, आपको नोट करना तो नोट कर सकते हैं, अब अगला मेरा फंक्शन आता है, अच्छा इसमें एक कंसेप्ट और समझाना चाहता हूं मैं आपको, जैसे कि मतलब हमने देखा कि एक फंक्शन है अगर साइन एक्स, ठीक है, तो साइन इसका इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख दूं साइन एक्स इस तरीके से लिख दूं, तो ये मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो फंक्शन है ये जो फंक्शन है सेम है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स और ये हमारा जो फंक्शन है इसकी वैल्यू होती है वन अपॉन साइन एक्स, ठीक है, यानी कि ये आप कभी भी कंफ्यूज मत रहिएगा कि अगर आपको ऐसा कहीं देखने को मिल रहा है तो आप उसको साइन इनवर्स एक्स समझ रहे हैं, अगर ऐसा इसको ऐसा देखने को मिल रहा है
उसको वन अपॉन साइन एक्स मिल गया। ये हमारा है साइन, ये हमारा इनवर्स और ये हमारा है वन अपॉन साइन एक्स। प्लीज आगे कंफ्यूज मत होइएगा, इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए। तो अब हम देखते हैं इनवर्स ऑफ अ टेंजेंट फंक्शन। तो टेंजेंट फंक्शन का इनवर्स देखने से पहले हम एक बार टेंजेंट फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारा जो टेंजेंट फंक्शन होता है वो होता है एफ एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स होता है, या हम टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो इसका क्या मतलब है कि जहां जहां कॉस एक्स की मेरी वैल्यू जीरो आएगी वहां मेरा फंक्शन टेन एक्स का हो जाएगा साइन एक्स अपॉन जीरो। यानी कि जहां जहां कॉस एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है वहां वहां मेरा फंक्शन टेन एक्स डिफाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो जो पूरा वो वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो जाती है, यानी कि नॉट डिपेंड हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जहां जहां कॉस एक्स की वैल्यू जीरो है वहां मेरा टेन एक्स हो जाएगा साइन एक्स अपॉन जीरो, यानी कि इक्वल्स टू हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कॉस एक्स जीरो कहाँ कहाँ आता है, कॉस एक्स हमारा जीरो आता है पाई बाई टू पे, थ्री पाई बाई टू पे, फाइव बाई टू पे, फाइव पाई बाई टू पे, फिर अगर नेगेटिव साइड में चलूँ तो माइनस पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस फाइव बाई टू, माइनस सेवन पाई बाई टू। यानी कि जहां जहां पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स आते हैं एक्स की वैल्यू में वहां वहां मेरा कॉस एक्स जो होता है वो जीरो हो जाता है। यानी कि जहां जहां पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स आएंगे एक्स की वैल्यू में वहां वहां मेरा टेन एक्स जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि पाई बाई टू की ऑड वैल्यूज मेरे टेन एक्स के डोमेन में नहीं आएंगी। तो इसलिए जो मेरा टेन एक्स का डोमेन होता है, टेन एक्स का मेरा डोमेन जो हम डिफाइन करते हैं आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ये मेरा डोमेन होता है 2n plus 1 pi by 2 और रेंज होता है ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। जब भी हमने देखा था sin x और cos x का जो डोमेन था वो ऑल रियल वैल्यूज था, बट इस केस में tan x के केस में जो इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, ये वाला डोमेन हो जाएगा और रेंज हो जाएगा r। इसका मैं ग्राफ दिखाता हूं आपको एक बार। सो ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह बनेगा। ग्राफ में वैसे काफी गंदे ग्राफ बन रहे हैं, तो आप प्लीज थोड़ा सा हो सके तो अपनी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उससे भी ग्राफ जरूर रेफर कर लीजिएगा अगर आपको क्लैरिटी में कोई दिक्कत आ रही है। बाकी मैं अपनी कोशिश पूरी करूँगा कि मैं अच्छे से अच्छे ग्राफ बना के दूँ आपको, बट मेन हमारे यहाँ पे जो कंसेप्ट समझने का एम है वो फुल होना चाहिए। तो इजीली वैल्यूज हम देख रहे थे जीरो पाई बाई टू नेगेटिव में माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस टू पाई। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर लू और ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइंस की चेन पाई बाई टू पाई पे स्ट्रेट लाइंस खींच रहे हैं। हो सकता है आपको ये इतना स्ट्रेट दिख नहीं रही हो, बट है ये स्ट्रेट लाइन नेगेटिव में भी लाइंस खींची हमने, यहाँ पे हमने लाइंस खींची, यहाँ पे लाइंस खींची और ये लाइन छोटी सी मतलब बात थी। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनेगा हमारा टेन एक्स ग्राफ ऐसे बनेगा। पाई बाई टू के ऑड वैल्यूज पे तो हमने क्या देखा था कि पाई बाई टू के ऑड वैल्यूज पे जो हमारा टेन एक्स होता है वो इन्फिनिटी छूता है, यानी कि इन्फिनिटी से और आएगा फिर ये जीरो पे जाएगा और फिर जीरो पे जाने के बाद ये फिर से इन्फिनिटी की तरफ चले जाएगा। ऐसे यहाँ से पाई बाई टू जब होगा तो इन्फिनिटी को छूते हुए जीरो पे आएगा, जीरो के बाद चल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ग्राफ बनते हैं
एफ एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स के, यहाँ से इसको आप ऐसे लो, ये जीरो पे छुओ और ये ऐसे ऊपर चले जाए, तो ये हमारे ग्राफ बन गए एफ एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स। ठीक है, अब वही सेम प्रॉब्लम, भाई जो हमारा डोमेन डिफाइंड है आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू, उस पर तुम्हारा फंक्शन मैनिमन हो रहा है, वन वन हो नहीं रहा है, फिर मैं क्या करूंगा मन करने के लिए, मैं इसका डोमेन काट के छोटा करूंगा, डोमेन रेस्ट्रिक्ट करूंगा, इसमें मैं जो डोमेन हमारा रेस्ट्रिक्ट करूंगा वो जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इतना जो डोमेन है मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में जो मेरा फंक्शन है, आप देख सकते हैं ग्राफ के हिसाब से भी कि ये मेरा फंक्शन वन वन हो गया, ऑन टू हो गया, तो बाइजेक्टिव भी हो गया, यानी कि रेस्ट्रिक्ट करने के बाद जो मेरा डोमेन बचा वो क्या बचा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और रेंज क्या हुआ आर, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब जब मैं अब इसका इनवर्स डिफाइन करूंगा, तो इनवर्स मेरा क्या डिफाइन होगा, इसका इसका मेरा इनवर्स डिफाइन होगा एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, राइट, यानी कि अब मैं इसका जब इनवर्स का डोमेन और रेंज लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, उसका मैं लिखूंगा डोमेन, बताइए जो सेम कंसेप्ट जो ओरिजिनल हो जाएगा, जो रेंज था वो इसका डोमेन हो जाएगा यानी कि आर, और जो ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन था वो इसका क्या हो जाएगा रेंज, यानी कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, तो ये यानी कि इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज डिफाइन हो गया। सो ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, इसका ग्राफ के लिए सेम वैसे ही डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर्स, तो यहाँ तो ऑल रियल नंबर्स आ जाएंगे, रेंज क्या है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पाई बाई टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस पाई बाई टू, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा कि माइनस पाई बाई टू से मेरा ग्राफ इन्फिनिटी से होता हुआ आएगा, ग्राफ मेरा इन्फिनिटी से होता हुआ आएगा जीरो को जाएगा, और फिर से ये इन्फिनिटी की तरफ घूम जाएगा पाई बाई टू के पास, तो ये मेरा ग्राफ हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू टेन एफ इनवर्स एफ इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ मेरा ये हो गया, राइट। तो वही कंसेप्ट, ओरिजिनल आपको देखो तो डोमेन कट करो, डोमेन रेस्ट्रिक्ट करो, छोटा डोमेन बनाओ, उसके बाद उसको उसका डोमेन और रेंज उल्टा कर दो, तुम्हारा इनवर्स आ जाएगा सेम जिससे यहाँ पर किया, तो ये हमारा इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन होगा।